हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ बाजार जैसी पापड़ी चाट। आज की रेसिपी में हम पापड़ी भी घर पर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कुक विद मी चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज की चटपटी पापड़ी चाट को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पापड़ी बनाएंगे, तो इसके लिए हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे गेहूं का आटा, मैदा और सूजी। अब हम इसमें डालेंगे नमक और इसके बाद डालेंगे घी। घी से ये ज़्यादा क्रिस्पी होती है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप घी की जगह पर तेल भी यूज़ कर सकते हैं। घी या तेल की क्वांटिटी हमें ऐसे ही रखनी है जैसे कि मैदा बंधने लग जाए। तो इसमें डालेंगे पानी और इसका डो बना लेंगे। जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं, उससे थोड़ा टाइट डो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये डो हमारा एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा डो तैयार होगा, तब तक हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे धनिया। धनिया हमें स्टेम के साथ ही डालना है, इसमें भी काफ़ी फ्लेवर होता है। हरी मिर्च, नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर और अब डालेंगे नींबू का रस और भुजिया नमकीन। इससे कुछ अलग सा ही फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है। अब हम इसमें फ्लेवर देने के लिए डालेंगे दही और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। अब ये हमारी चटनी रेडी है। अब हम इमली की चटनी बना लेते हैं। तो एक पैन में हम इमली का पल्प डाल देंगे और थोड़ा सा पानी और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे नमक, चीनी और डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। उबाल आते ही ये थिक हो जाएगी और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इसको हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हमें इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। ये हमारी इमली की चटनी पूरी तरह से रेडी है। अब हम दही का मिक्सचर बना लेंगे। तो एक बर्तन में मैंने दही लिया है। दही अगर गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे चीनी और नमक और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा दही पूरी तरह से रेडी है। अब हम तेल गरम करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में तेल डाल दिया है और इसको अच्छे से गरम करेंगे। अब हम पापड़ी बना लेंगे। इसके लिए जो डो हमने पहले बना के रखा था, उसे एक बार और गूंथ लेते हैं। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। छोटी या बड़ी कैसी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ ये 4 लोई बना रही हूँ। अब हम इन्हें रोल करने के लिए इस तरीके से तेल लगा देंगे। आप मैदा भी लगा सकते हैं। आप इसे किसी भी शेप में रोल कीजिए, क्योंकि ये हमें कट ही करना है। इसे हमें पतला ही बेलना है और ज़्यादा मोटा ना करें। अब हम इसे कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक छोटा गिलास लिया है। आप कुकी कटर भी यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा आप साइज रखना चाहते हैं, आप उतना ही बड़ा कटर ले लें। तो ये हमने सारी पापड़ी कट कर ली है और ये एक्स्ट्रा डो हम हटा देंगे। अब हम इसमें एक फोर्क की मदद से छेद कर देंगे। इससे हमारी पापड़ी फ्राई करते समय फूलेंगी नहीं। हमने जो तेल गरम करने के लिए रखा था, उसमें थोड़ा सा डो डालकर चेक करेंगे कि हमारा तेल कितना गर्म हुआ है। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं और अब हम सारी पापड़ी इसमें डाल देंगे और इन्हें ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे।
बीच बीच में इन्हें हमें पलटते रहना है। अब ये हमारी पापड़ी एक साइड से अच्छे से सिक चुकी हैं, इनको पलट के हम दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना चेंज हो गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस से हम सारी पापड़ी तैयार कर लेंगे। आप डायरेक्ट बिना कट करे भी इसमें फोर्क की मदद से छेद कर सकते हैं। ये हमारी सारी पापड़ी बनकर तैयार है। अब हम फाइनल प्रोसेस पर चलते हैं। अब हम करेंगे प्लेटिंग। प्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपनी पापड़ी रखेंगे। ये हमने सारी पापड़ी रख दी है। अब हम इनके ऊपर उबले हुए आलू रखेंगे, जिनको मैंने पहले छोटा छोटा काट लिया है। अब हम डालेंगे इनके ऊपर दही और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे नमक। ध्यान रखना है कि नमक हमने दही और पापड़ी दोनों में डाला है, इसलिए बहुत कम मात्रा में डालें। थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। अब हम हरी चटनी डाल देंगे, जो हमने पहले बनाकर रख ली थी। अब हम इमली की चटनी भी डाल देंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर और इसके ऊपर डाल देंगे आलू भुजिया। अब हम डाल देंगे धनिया पत्ते। तो ये हमारी तीखी चटपटी पापड़ी चाट पूरी तरह से रेडी है। इस पापड़ी चाट को आप अपने घर पर अवश्य ट्राई करें और ये आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।